हेलो फ्रेंड्स, मैं महावीर प्रसाद ज्ञान की गंगा में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छिपे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। मेष राशि वालों का भविष्य वर्ष 2018 में कैसा जाएगा, आइए जानते हैं और इस बारे में चर्चा करते हैं कि चाहे वो नेता हो, उद्योगपति हो, छात्र हो, छात्राएं हो, या सरकारी नौकरी करने वाले लोग हों, या जो लोग अपना दंपति जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या जो लोग किसी के प्यार में पड़े हैं, उनका वर्ष 2018 में भविष्य कैसा रहेगा, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेता तथा उद्योगपति जो लोग मेष राशि के हैं, इन लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप जहां भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको लाभ होगा। अगर आप एक नेता हैं तो यह वर्ष 2018 आपके लिए सबसे अच्छा वर्ष हो सकता है। छात्रियों छात्राएं जो मेष राशि के हैं, वर्ष 2018 में विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी कुछ अभिलाषाएँ होंगी, बहुत सब कुछ आपको मिलेगा अच्छा देखने को। अगर आप थोड़ा इस वर्ष लगन से पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए यह वर्ष अच्छा गुजरेगा, वरना यह वर्ष थोड़ा विद्यार्थियों के लिए कष्टकारी हो सकता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष थोड़ा फ़ायदेमंद है। जो लोग मेष राशि के हैं और सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही अनुकूल है। इस वर्ष आपका प्रमोशन हो सकता है, लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे और आप इन लोगों के दिलों पर राज करेंगे। दंपति जीवन जो लोग मेष राशि के हैं, जो लोग मेष राशि के हैं उनका दंपति जीवन थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। उन्हें साल के अंत तक रुकना पड़ सकता है क्योंकि साल के अंत तक ही शुक्र और गुरु आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। तो आप इस कष्ट से बचने के लिए कबूतरों को दाना या मछलियों को चारा खिलाना मत भूलिए। आपको ऐसा महीने में केवल एक बार करना है। प्यार, जो लोग मेष राशि के हैं और किसी से प्यार करते हैं और अब तक अगर विहार नहीं कर पाए हैं तो यह वर्ष सबसे अनुकूल है इजहार करने का। इस वर्ष आप किस जिससे भी प्यार करते हैं आप उससे अपना दिल की बात जरूर बता दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके हाथ निराशा ही लगेगी। 2018 में जो हम शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग की बात करें मेष राशियों के लिए तो होगा पीला। और सभी कष्टों से बचने के लिए सबको मेरी तरफ से सजेशन है कि आप दुर्गा चालीसा का जाप करें। आप बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए और उज्ज्वल रहिए। जय हिंद।